दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास या ज्योतिष के पास जाते हैं, तो उनके पास जाने के बाद आपके भीतर क्या क्या समस्याएं चल रही है, आपका भूतकाल क्या था, आपका भविष्यकाल क्या होगा, ये सभी बातें वो जान जाते हैं और आपको लगने लगता है कि ये एक चमत्कार है जो आपके भीतर आपके मन को जान जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वैसे लोग होते हैं जो आपके मन को पढ़ लेते हैं, आपके मन की बातों को जान जाते हैं कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आता होगा कि क्या दूसरों की मन की बात को जान लेना, कि कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर ये निकलेगा कि हाँ, संभव है। यदि देखा जाए तो 100% तो नहीं, लेकिन किसी हद तक यह संभव है कि आप भी किसी के मन की बातों को जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। ये प्रयोग आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के द्वारा और कहा जाए तो बौद्धिस्ट एवं जैन मुनियों द्वारा किया जाता था और आज भी ये लागू होता है। किंतु समस्या यह है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि हम शांत ही नहीं रह पाते हैं, हम अपने मन को शांत ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम इस प्रयोग को समझ नहीं पाते हैं। यदि आप भी इस प्रयोग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत शांति से और अंत तक जरूर देखें। यदि इन प्रयोगों को आपने सीख लिया और आपने अभ्यास करने की कोशिश की तो आप भी किसी के मन की बात को समझ पाएंगे, उन्हें महसूस कर पाएंगे कि दूसरे के मन में कैसे विचार चल रहे हैं और किसी हद तक ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में लाभ ही करेंगे। बस ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो ऋषि मुनियों ने किया था और उसी अभ्यास की वजह से वे सभी लोगों के मन की बातों को जान जाते थे। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से ठीक से समझते हैं कि आप किसी के मन की बात कैसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था। छोटे भाई ने एक दिन सोचा कि खेत में बहुत अधिक जानवर आते हैं एवं फसल का नुकसान कर देते हैं। बड़ा भाई अंधा है, गांव में भी बैठा ही रहता है, क्या करता है, इसको खेत में बैठा देता हूँ। और वो छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपने अंधे भाई को खेत में ही बैठा देता है और कहता है कि यदि कोई जानवर की आहट आए तो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वो जानवर हमारे खेत से भाग जाए और हमारी फसल को कम नुकसान होगा। और बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई की बात मानकर वहीं खेत में रहना शुरू हो गया। वहाँ रहते रहते उसे काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और खेत की बाड़ को तोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया और वो राजा उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है? उसने कहा कि राजा साहब, मैं तो आँखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जानवर जो भागा है वो आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ, ये तो अंधा आदमी है और ये भला मुझे कैसे बता सकता है कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हुई, तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, वो हिरन नहीं है, वो हिरनी है और वो गर्भवती है, और गर्भवती हिरनी का शिकार कभी कोई राजा नहीं करता है, इसीलिए वो आपके लायक नहीं है। अब वो राजा और हैरान रह गया। राजा ने सोचा, यह तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता चला कि वो गर्भवती है? राजा ने उस अंधे आदमी को कुछ नहीं कहा और अपने सेनापति को कहा कि किसी भी हालत में जो हिरन भागा है उसको पकड़ना ही होगा, और वो भी जिंदा, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ यह बात कह रहा है कि वो एक गर्भवती हिरनी है और वो हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि यदि वो सच में गर्भवती है
तो वो हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। तभी वो सेनापति वहाँ से जाता है और उस हिरनी का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद जब सेनापति वापस आता है तो वो राजा से कहता है कि राजा साहब, बात बिल्कुल सही है, वो एक हिरनी थी और वो गर्भवती थी। अब राजा ने सोचा कि भला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वो हिरनी थी और वो गर्भवती थी, ये तो अंधा है, और यदि कोई आदमी अंधा भी नहीं होता है तो भी उसको कैसे पता चल जाता है कि हिरनी गर्भवती है, ये तो बड़ा पारखी है। अब मुझे इस बात को तो जानना ही है कि इस आदमी ने आखिर कैसे पता लगाया। तभी वो राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है कि भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमको कैसे पता चला कि वो हिरनी गर्भवती है, क्योंकि तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो यह भी पता नहीं चलेगा कि कोई जानवर तुम्हारे खेत में आया है और वो हिरन है या कोई दूसरा जानवर, लेकिन तुमने ये भी पता कर दिया कि वो हिरनी है और वो गर्भवती है, तुमको कैसे पता चला। तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, जब आप उस हिरनी का पीछा कर रहे थे तो वो भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरे खेत की जो बाड़ है वो इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है, यदि वो हिरन होता तो वो उसको फांद कर चला जाता, लेकिन वो हिरनी थी और वो बाड़ को तोड़कर भागी, क्योंकि यदि कूद कर जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती थी, इसीलिए वो हिरनी बाड़ तोड़कर वहाँ से निकल गई। तभी राजा को समझ आया कि यह आदमी भले ही अंधा है लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी है, इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तब वो राजा वहाँ से अपने नगर चला जाता है। दो चार दिन बाद निकलने के बाद वो अपने सेनापति को भेजता है कि उस अंधे आदमी को अपने राज्य में लेकर आओ। तभी वो सेनापति आता है और उस अंधे आदमी को राजा के राजमहल चलने को कहता है। अंधे आदमी को पता था कि राजा जरूर कुछ न कुछ ऐसा काम मुझे देगा जो राजा उसे पक्का मुसीबत में डालेगा, लेकिन राजा साहब का आर्डर था इसीलिए उसे राजमहल चलना ही था। वो अंधा आदमी और सेनापति दोनों राजा के महल चल दिए। जब वो महल गया तो महल जाते ही राजा साहब ने एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं और बड़े पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता लगाने में अधिक समय नहीं लगता है, तो मुझे यह बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, जाने दीजिए, इस बातों में कुछ भी नहीं रखा है, आपकी शादी को कितने साल हो गए और अब आपको इस बात को जानना है। राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस बात को जानना है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। तब वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। तभी वो राजा साहब इस बात पर हामी भर देते हैं और अपनी पत्नी को और उस अंधे आदमी को एक कमरे में छोड़ देते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी को कहता है, आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर वो रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़कर पीटने लगी, कभी हाथों से, कभी लातों से, और कभी उल्टा पटक पटक कर उस अंधे आदमी को उस राजा साहब की रानी ने पीटा। उसके बाद वह अंधा आदमी जैसे तैसे वहाँ से छूटकर राजा के पास भागकर आया और कहा कि राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात पर राजा बहुत हैरान हुआ और राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा अपनी रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना, और यदि तुमने झूठ कहा तो मैं तुम्हारा अभी सर कलम कर दूंगा। और वो राजा पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तो वो रानी कहती है कि राजा साहब, भले मुझे मार देना लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। अब राजा अपने मन में एक तरफ से खुश भी हुआ, जो अंधे आदमी ने कहा जो बात सत्य निकली, और वो राजा उस अंधे आदमी के पास आता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तभी वो अंधा आदमी कहता है, देखिए राजा साहब, मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना सा कहा
कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए, और इस बात पर आपकी पत्नी इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे लात घूसों से पीटा। अब जरा आप सोचिए, मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ने के लिए कहा था, भला कोई औरत पराए मर्द को कैसे छू सकती है, और इसी के चलते उन्होंने मुझे पीटा। लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तो वो हाथ पैर सब कुछ मेरे ऊपर लगा दिए, तो वो भी तो एक छुनाई हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराए मर्द को छुएगी नहीं। और यदि मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वो नारी कैसे पतिव्रता हो सकती है। उसके बाद राजा ने कहा कि सच में कोई ज्ञानी आदमी हो तो तेरे जैसा हो। उसके बाद राजा कहता है कि मेरे एक लास्ट सवाल का जवाब और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो राजा कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का। वो आदमी कहता है, राजा साहब, इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, लेकिन हो तो इस नगर के राजा। राजा ने कहा, नहीं, पूरी ज़िंदगी मेरे दिल के अंदर ये बात अटकी रहेगी, मुझे इसका जवाब दे दो, उसके बाद भले चले जाना। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, उसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको उसका जवाब यहीं पर दे दूँगा, बस आप वादा करो आप गुस्सा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, जो भी सही बात हो वो मुझे बताओ। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आप हो तो अपने पिताजी के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। उसके बाद राजा और गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, और यदि सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा। मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ। उसके बाद वो माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर से पीछे एक कंजूस सेठ नज़र आया और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। उसके बाद वो राजा अंधे आदमी के पास आता है और कहता है, मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस आदमी की छाया पड़ी हुई है। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, आपने मेरे से दो सवालों के जवाब ले लिए, और उन सबका जवाब मैंने आपको बड़ी सरल तरीके से दिया। अब तक कोई दूसरा राजा होता तो मुझे बहुत सारा धन दे देता, और आपने अभी तक मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी वो राजा मुस्कराने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या गलत, तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो। तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, वैसे तो मैं अंधा हूँ, यदि मेरी आँखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ, मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको आदमी की बॉडी से देखा जाता है कि आदमी अपनी बॉडी से, अपनी आँखों से, अपने होठों से, अपनी जीभ से कैसी क्रियाएं करता है, उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं यह सब नहीं देख सकता, इसलिए मैं क्रिया से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, और वो आदमी कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, किसी भी आदमी की मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम इसको एक और कहानी के द्वारा समझते हैं। ये बात एक जैन मॉन्क की है। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था, वे उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं मन के भाव से बातचीत करना सीखो,
और आज के ज़माने में इसे ही टेलीपैथी कहा जाता है, जो कि बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन बात कर लेना। आपने यह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी के बारे में सोचते होंगे और वह इंसान आपके सामने आ जाता होगा या उनका फ़ोन आपके पास आ जाता होगा। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती है और उसके मन की बातें आप तक पहुंच जाती है। कहानी में जो जैन मॉन्क थे, वह अपने शिष्यों को एक प्रयोग करना सिखाते थे कि तुम सभी लोग अपने आप को कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत रखना सीखो। जब तुम्हारी वाणी शांत हो जाएगी तब तुम्हारा मन भी शांत होगा, क्योंकि हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, उन्हें आवाज़ देती है, अतः वह शांति अपनी वाणी से ही आएगी। जैन मॉन्क बोलते थे, यदि तुमने अपनी वाणी को शांत कर लिया तो तुम अपने मन को भी शांत कर लोगे। फिर इन प्रयोगों के द्वारा धीरे धीरे उन सभी शिष्यों के मन शांत होने लगते थे। फिर एक समय ऐसा आता था कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता था। उसके बाद जैन मॉन्क मन ही मन कुछ शब्दों के प्रयोग करते थे, जैसे गुलाब का फूल। उसके बाद ये शब्द अपने मन ही मन लगातार बोलते रहते थे जब तक कि उनके शिष्यों को महसूस न हो। फिर एक क्षण ऐसा आता था कि उनके सभी शिष्यों को ये आभास हो जाता था कि उनके गुरु ने क्या कहा। यहाँ पर वो जैन मॉन्क अपनी ऊर्जा को अपने शिष्यों की ऊर्जा से कनेक्ट कर लेते थे, तभी वे आपस में मन ही मन बात कर पाते थे। आपने भी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो भी अपनी ऊर्जा को आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वे आपके मन में चल रही बातों को जान पाते हैं और हमें लगता है कि वो एक चमत्कार है, लेकिन वो चमत्कार नहीं है। उन्होंने अपने मन को शांत किया। इसका सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं सामने वाले सुनते रहते हैं, और जब आप बोलना बंद कर देते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है वह आप सुन पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन शांत है तभी आप किसी के मन की बात सुन सकते हैं। मन के शांत होने का या मन के चुप होने का अर्थ हुआ कि अपने सभी विचारों से और कल्पनाओं से बाहर निकलकर शांत हो जाना, जिसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। ऋषि मुनि लोग भी यही प्रयोग करते थे, वे अपने मन को शांत कर लेते थे, इसी कारण से वो चींटियों के चलने की आवाज़ सुन लेते थे। दोस्तों, इन दोनों कहानी से आपने ये सीखा कि आप भी चाहते हैं कि आप दूसरों लोगों के मन की बात को सुन सके तो ये प्रयोग आपको सीखना होगा। ये सीखने के लिए आपको कुछ समय निश्चित करना होगा, उस वक्त आप बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा है। उस वक्त आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उस पर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस देखना है, उसे समझना है। जब आप ये देखने लगेंगे तब धीरे धीरे सभी विचार समाप्त होने लगेंगे, फिर आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने आनापान सति ध्यान योग कहा है। ये आनापान ध्यान योग प्राचीन ध्यान विधि है, जिसे बुद्ध ने नया रूप दिया है, जिसके बारे में बुद्ध हमेशा बोलते रहते थे, जिसमें आपका ध्यान आपके सांसों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है। जब आपका मन शांत होने लगे तब आप लोगों की बातों को न सुने, उनके हाव भाव को देखने की कोशिश करें, उनके मन को देखने की कोशिश करें, उसे सुनने की कोशिश करें। और यही चीज़ आज के एस्ट्रोलॉजर करते हैं, आज के ज्ञानी लोग करते हैं। देखा जाए तो इसके बहुत सारे फायदे आपके जीवन में है। जब आप दूसरों के मन को पढ़ना सीख जाएंगे, उनके विचारों को सुनना सीख जाएंगे, तब आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, आपको कोई भी फंसा नहीं सकता। और यदि
नौकरी करते हो तब वहाँ पर भी आप अपने बॉस के मन को पढ़ सकते हैं और उनसे एक अच्छी रिलेशन बना सकते हैं। इसलिए अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। हाँ, इसका परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यह भी बात सच है कि लगातार अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने मन को शांत कर पाएंगे और दूसरों की मन की बातों को पढ़ पाएंगे। यदि आपने यह कर लिया तो आप जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो। अपने घर में, अपने गांव में, स्कूल में या किसी भी क्षेत्र में हो, सभी जगहों पर यह काम देगी। अतः अपने भीतर जाने की कोशिश करें। जब तुम अपने भीतर जाओगे तभी तुम दूसरों के भीतर को भी समझ पाओगे। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा एवं इसी तरह की ऑडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा।